सबने सुना है क्या? फुरफुरी नगर में बहादुर नंबर वन का कंपटीशन होने वाला है यार। जॉन बनेगा बहादुर नंबर वन, जॉन द डॉन से बहादुर पूरे फुरफुरी नगर में, और है का? जॉन, ये मुँह और मसूर की दाल कहावत तो तुमने सुनी ही होगी ना? हाँ, सुनी है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, अपने मुँह मियाँ मिठू, ये कहावत सुनी है? शेर की खाल में भेड़िया, ये कहावत सुनी है? ये सब कहावतें सुनी है तुमने? हाँ, सुनी है। क्योंकि ये सारी कहावतें तुम्हारे ऊपर एकदम फिट बैठती है। बदलो, वेट एंड वॉच, मैं दिखा दूंगा कि फुरफुरी नगर का बहादुर शेर जॉन है। नंबर टू, इस खाल को पहन लो, तुम्हें इसके अंदर बैठकर रिमोट से जैसा मैं बताऊं वैसा ऑपरेट करना है। ये मैं अपने एक इनफेमस साइंटिस्ट दोस्त से लेकर आया हूँ। नंबर टू, अब कान खोल कर मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, बोलो बात। कान खोल के सुनो बोला था, तो मुंह खोल के क्यों सुन रहा है? खैर कोई बात नहीं, सुनो। पतलू, इस बहादुर नंबर वन कंपटीशन में क्या होने वाला है? इसमें ऐसा है कि फुरफुरी नगर के लोग यह फैसला करेंगे कि बहादुर नंबर वन कौन है। और जॉन फुरफुरी नगर का बहादुर शेर होने की बात कर रहा था। चाय वाले भैया, जल्दी से गर्मा गर्म समोसे पैक कर दो मेरे बॉस के लिए। भागो, 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 भागो। तो बड़ा है ना कोंडा शहर में कहां से आ गया? चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। वाह वाह, अरे देखा आप सबने, जॉन ने कितनी दिलेरी से नंबर वन को बचाया है। अरे जॉन ही फुरफुरी नगर का असली बहादुर नंबर वन है। हाँ भाई, आज तो मोटू पतलू डर के चुप हो गए, वैसे तो बड़े बहादुर बनते फिरते थे। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। फुरफुरी नगर का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था। नंबर वन की जगह कोई और भी होता तो मैं उसको भी बचाता। वो क्या है ना, मैं तो पैदाइशी बहादुर हूँ, बहादुर ही पैदा हुआ था, बस कभी जताता नहीं हूँ और कोई फालतू जगह आता जाता नहीं हूँ। दाल में कुछ काला है, चलो देखते हैं। नंबर टू, तुमने तो आज कमाल की एक्टिंग की है। थैंक यू बॉस। तो ये है जॉन की बहादुरी का चमत्कार। अब असली एक्शन का टाइम है, तुम जाओ और मोटू पतलू को इतना डराओ कि वो दोनों फुरफुरी नगर छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाए, और उसके बाद हर किसी की नजर में जॉन द बहादुर नंबर वन का ही चेहरा हो गया। अरे आने दो इस नंबर टू को, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। क्या हमारी बिरादरी के लोग शहर में भी आकर रहने लगे? मुझे तो पता ही नहीं था।
हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। ये तो नकली एनाकोंडा था। अब मैं शहर में जाऊंगा और डॉगी खाऊंगा, बिल्ली खाऊंगा। बड़े दिनों से कुछ यम्मी खाना नहीं मिला। अरे पतलू, इतनी देर हो गई, लेकिन जॉन और उसका चमचा अभी तक आया नहीं। क्या हुआ डॉगी, इतना डर क्यों रहे हो? तुम इस एनाकोंडा से डर रहे हो? अरे जब तक मोटू पतलू है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी देखो, मैं इस एनाकोंडा की पूंछ पकड़कर उसी से इस एनाकोंडा को कैसे बांध देता हूँ। सुनो एनाकोंडा, तुम इस तरह एक बेजुबान डॉगी को परेशान नहीं कर सकते। हिम्मत है तो मेरा सामना करो। इस मोटू ने मेरे मुंह से मेरा शिकार छीना है। अब तो यही मेरा शिकार होगा। बड़ा बड़ा हट्टा कट्टा है, टेस्ट में और भी बढ़िया होगा। अरे इसका तो जीव असली है, इसके दांत भी असली है, पेट भी असली है, ये तो असली एनाकोंडा है। पतलू, मेरा मतलब असली एनाकोंडा है। अरे साफ साफ बोलो कि कौन असली है। जाकर एनाकोंडा से फाइट करो। बहादुर नंबर वन का टैग लेना है कि नहीं, वरना सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। जल्दी तुम ही कुछ सोचो। ये नंबर टू कहाँ चला गया? मोटू पतलू का भी कुछ पता नहीं। सुनो एनाकोंडा, मोटू को छोड़ दो, वो मेरा दोस्त नहीं है। तो भी क्या हुआ? लूज करो, मुझे दर्द हो रहा है। ये तो असली एनाकोंडा लग रहा है। असली एनाकोंडा है। जॉन, एनाकोंडा है तो असली ही होगा। अरे डरते क्यों हो? पिछली बार तो तुमने कितनी बहादुरी से नंबर वन को बचाया था, हाँ याद है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। वो वाला एनाकोंडा नकली था। प्लीज मुझे बचा लो। हेल्प। तो ये लो समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। दे दना दन दन। एक शिकार के लिए कितनी मार खाऊं? इससे अच्छा है जंगल में ही रहो। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग लेता हूँ। मोटू बहुत बलवान है। मोटू ही मुश्किली नगर का शेर बलवान है। बात मैं आ गया। मोटू पतलू तापल है। अभी बताता हूँ, जब सब बीन बजा कर चले गए तब तू आया है। क्या हुआ?